अच्छा एक मिनट, सचिन सर की एक बात है, उनसे बोलना अभी जब बिकते सेलिब्रेट, उनसे पूछना सर आप कितनी मिठाई खाते हो, आप ये बताओ कितनी ज्यादा मिठाई खाते हो। ठीक है, विक्ट्री सेलिब्रेशन में अभी क्या हो रहा था कि इधर से बच्चे को मिठाई खिलाने के लिए थाली में मिठाई रखी आप करें, और जैसे सर से पास हुआ करें उसमें से दो या तीन पीस गायब हो जाया करें। अरे देवा। फिर वो बच्चे को खिलाने के बाद वो वापस थाली आया करें, और फिर दो तीन जो वो होते हैं ना, दो तीन काजू कतली के वो मिठाई फिर गायब हो जाया करें। ठीक, ये चले एक बार हो गया, फिर दोबारा आई, दोबारा भी यही हुआ। फिर सर से कहना कितनी मिठाई खाते हो, जेब में भर लिए थे क्या मिठाई? लेकिन हमारा फायदा हुआ पंकज सर को, और हमको बहुत मिठाई खिलाई सर ने। और फिर जब आखिरी में खत्म हो गई, मैंने कहा सर एक एक बस आखिरी में उनके पास एक रह गया, बस एक मिठाई का टुकड़ा। मैंने कहा बस एक ही टुकड़ा है, तो उसके दो टुकड़े कर दिए। टुंग, बोले क्या? बोले नहीं सर देखो दो है। आप कहां के ज्ञानी बाबा? अब पूरा भरोसा हो गया मैथमेटिशियन हो आप, इसीलिए गोलू बोलू है सर। इसीलिए गोलू बोलू है। अच्छा विक्ट्री सेलिब्रेशन वाला खाजू कतली वो सेलिब्रेशन चल रहा था, उधर से सलीम सर क्या कर रहे थे, वो जो दीदी देती है ना ऐसे टिक्का लगाने के लिए, तो उसके ऊपर कुछ बर्फियां रखी होती हैं, तो जब जितनी बार भी वो प्लेट, हम लोग इधर ही खड़े थे राइट साइड में, जितनी बार भी प्लेट आगे जाए सलीम सर एक उठा ले। लेकिन एक सेकेंड, थाली में मिठाई रखी आप करें, और जैसे सर से पास हुआ करें उसमें से दो या तीन पीस गायब हो जाएगा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या? बोले आप खाओगे क्या? मैं कहा मेरे नाम पे चोरी मत करो, खुद कहानी सीधा सीधा खाओ ना भाई। तुम्हें अगर मेरी बात झूठ लग रही है ना, एक मतलब ऐसे ही, अब तुम बोलोगे सर आप तो सीरियस हो जाते हो, जाके सलीम सर से ये पूछना कि आपने सचिन सर को मिठाई दी, क्या आपने उनको खाते हुए देखा? आप देख तू गले में थोड़ा इन्फेक्शन चल रहा है कई, मतलब दो तीन दिनों से, तो इस वजह से मैं मिठाई खा ही नहीं रहा हूं। पूछो। हाँ मैं ये नहीं मना कर रहा कि मैंने ली थी, हाथ में पकड़ रखी थी। उनसे पूछना, जैसे मैंने सलीम सर का मुंह चलता हुआ देखा, पंकज सर का मुंह चलता हुआ देखा, और भी टीचर जो हमारे आसपास खड़े थे सब मिठाई खा रहे थे, हम लोग उसमें से छीन ले रहे थे, बट उनसे पूछना कि आपने क्या खाते हुए देखा मिठाई। और थोड़ी देर बाद में वो उसका वो, उन्होंने पहले एक पीस दिया छोटा सा, मतलब थोड़ा सा मतलब एक उठाई, उसमें ज्यादा टुकड़ा करके सबने बांटा, एक पीस दिया, थोड़ी देर में फिर वो प्लेट गई उसमें से एक और पीस दिया, ऐसे करके मैंने उसका एक आधा पीस कन्वर्ट करके वापस उस प्लेट में रख दिया जब वो दीदी टीका लगा रही थी। पॉकेट में तो उन्होंने रखी है भाई, ये गजब आदमी है यार, अपनी सारी हरकतों का इल्जाम मेरे पे लगा दिया। मिठाई खाई है, इनफैक्ट आदमी सेलिब्रेशन होने के बाद में सबसे लास्ट में निकला है। सेलिब्रेशन खत्म हो गया हमारा, उस टाइम पे पीपीएल का मैच था, तो सेलिब्रेट खत्म होते ही फाइनल मैच था, तो मैं सीधा भागा, सलीम सर भी मेरे साथ ही भागे, फिर सलीम सर ऊपर रह गए, मतलब सारे टीचर्स जो है वो पीपीएल वाले ग्राउंड में चले गए थे। मैं आया बेसमेंट में, तो मेरे पास फोन आता है, मैंने सलीम सर को फोन किया क्योंकि वो कोटा से चल के आए थे, मैं कहा आप पीपीएल जाओगे कि वापस कोटा जाओगे? बोले पीपीएल देखना सर मुझे, आप मेरा वेट करना, ठीक है हाय ना। तो हम सब लोग, मैं अपनी गाड़ी से, फिर मैं कहा सलीम सर आओ बैठो ले चलते हैं साथ में, हम लोग गए। अब मेरे मन में डाउट ये आ रहा कि ऊपर तो सब खत्म हो गया था, पेरेंट्स और टीचर सब लोग चले गए, ये आदमी ऊपर कर क्या रहा था? तो जो बच्चों को लैपटॉप मिले हैं ना, बच्चों को लैपटॉप मिले हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक जे एडवांस में बढ़िया आई है, उनको लैपटॉप मिले हैं, तो भाई साहब वहां ढूंढ रहे थे कि कोई लैपटॉप खाली वाली मिल जाए, एक आधा दबा लूं। ये गड़बड़ है बाबा। ये मुझे कैसे पता चला? सीसीटीवी कैमरा चेक करवाने के बाद में। हाँ बोले एक आधा कोई बच्चा मिस हुआ हो, एब्सेंट हुआ हो, उसका एक लैपटॉप मुझे दे दो। अच्छा लगता है क्या ये सब हरकतें टीचर होते हुए? हाँ बोले लैपटॉप दे देते हैं, और मुझे आके बताया नहीं कि मैं ये लैपटॉप ढूंढ रहा था, दोनों भाई आधा आधा कर लेते कोई। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है, मिल के ले आते, कुछ कुछ करते व्यवस्था खुद ही, वो तो मुझे पता चल गया भाई जासूस छोड़े हुए अपने नेवी ऑफिस में। मिठाई से एक चीज याद आई, ध्यान रखना थोड़ी सी एटीट्यूड वाली है, संभाल लीजिएगा प्लीज। सिलेक्शन के बाद एक डब्बा मिठाई उसके घर भी भिजवानी है, सिलेक्शन के बाद एक डिब्बा मिठाई उसके घर भी भिजवानी है, जिनको हम पे डाउट था कि हमारी जी एडवांस में रैंक नहीं है।